रिया रणबीर के साथ सोने की करेगी कोशिश, और लेकिन रणबीर प्राची को बीच में लाकर कह देगा रिया को अलग सोने के लिए, जिस वजह से रिया अपनी बुजी आलिया को कह देगी प्राची को जान से मार दो, जिस वजह से आलिया रिया के लिए प्राची को जान से मारने के लिए चलेगी दूसरी बड़ी चाल। लेकिन रणबीर प्राची के बीच होगी बड़ी लड़ाई और बदल देंगे प्राची रणबीर दोनों अपना रास्ता और हो जाएंगे रणबीर प्राची दोनों हमेशा के लिए दूर। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब रात को रणबीर प्राची को याद करके सोने की कोशिश कर रहा होगा, तभी रिया रणबीर के साथ सोने के लिए रणबीर के बाजू में आ जाएगी, जिस वजह से रणबीर बेड से उठकर अपना तकिया लेकर दरवाजे के पास चला जाएगा और रिया रणबीर को कहेगी कहाँ जा रहे हो। तभी रणबीर कहेगा तुम मेरे बाजू में नहीं सो सकते, अगर तुम बेड पर मेरे बाजू में सोओगे तो मैं इस कमरे के दरवाजे से प्राची के कमरे में जाकर वहाँ सो जाऊंगा, और अगर तुम चाहती हो कि मैं यही कमरे में सोऊ तो तुम्हें काउच पर यानी कि सोफे पर सोना होगा। यह सुनकर रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और रिया रणबीर को कहेगी ठीक है तुम इसी कमरे में सो, एंड तुम कहते हो कि मैं काउच पर सो जाऊं तो ठीक है मैं वहां सो जाऊंगी। यह रणबीर को कहकर रिया जब गुस्से से आलिया के कमरे में जाएगी और आलिया को कहेगी कि आज रणबीर मुझसे दूर है तो सिर्फ उस प्राची की वजह से, रणबीर मेरे कमरे में होते हुए भी मेरा नहीं है क्योंकि वो प्राची को हमेशा याद करता रहता है और मुझे उसने सिर्फ प्राची का नाम लेकर काउच पर सोने के लिए कहा। तभी यह सुनकर आलिया को झटका लगेगा, और लेकिन जब रिया गुस्से से आलिया को कहेगी कि आलिया बुजी आप मेरे लिए सिर्फ एक काम कीजिए प्राची को जान से मार दीजिए, किल हर प्राची आलिया बुजी, तब यह सुनकर आलिया के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आलिया रिया को समझाती हुई कहेगी ऐसी गलती कभी मत करना, हम एक बार अभी फिलहाल प्राची को जान से मारने की कोशिश में गलती कर चुके हैं, अब दूसरी बार कोई भी गलती हुई तो मैं और तुम सीधे जाएंगे जेल, इसी वजह से प्राची रणबीर को अलग करने के लिए जरा वेट करो, उन दोनों को हम अंदर से ही अलग कर देंगे। यह सुनकर रिया खुश हो जाएगी, और लेकिन जब सुबह होगी और रिया सुबह होते ही प्राची के कमरे में जाएगी और प्राची को रणबीर के बारे में भड़काते हुए कहेगी कि आज मुझे और रणबीर को मजा ही आ गया, रणबीर मेरे कमरे में काफी सुकून से सो रहा था और उसके बाजू में मैं सो रही थी और हम दोनों के बीच इतना ज्यादा प्यार था कि तुम्हारे नसीब में कभी रणबीर का प्यार हुआ ही नहीं। यह सुनकर प्राची को काफी बड़ा शौक लगेगा, और लेकिन जब शाहना वहाँ पर आएगी और प्राची को कहेगी कि इस रिया की बातों पर भरोसा मत करना, तभी प्राची कहेगी मैं विश्वास क्यों ना करूं, रणबीर ने रिया की मांग में सिंदूर भरा है तो ऑब्वियसली वो रिया के साथ ही होगा ना। तब यह सुनकर शाहना कुछ बोल नहीं पाएगी, और लेकिन जब घर की लॉबी में रणबीर प्राची के सामने आएगा और रणबीर आखिरी बार प्राची को अपना रिश्ता बनाने के लिए कहेगा, तभी प्राची गुस्से से रणबीर को कहेगी अब क्या काम है, तब रणबीर कहेगा कुछ नहीं। तब यह सुनकर जब प्राची रणबीर को इग्नोर करेगी तभी रणबीर कहेगा तुम चाहती हो ना कि मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर चला जाऊं, तो अब मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाऊंगा और अब कभी भी तुम्हें मेरे साथ रिश्ता बनाना हो तो तुम्हें ही आना पड़ेगा क्योंकि अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा और ना ही तुम्हें अपना रिश्ता बनाने के लिए कहूंगा क्योंकि अब मैं तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा कि तुमने अपनी जिंदगी में सोचा नहीं होगा। तभी यह सुनकर प्राची गुस्से से रणबीर को कहेगी ठीक है तुम्हारी मुझे जरूरत भी नहीं है, जाकर अपना काम करो और अपनी रिया के पास जाओ। यह सुनकर मन ही मन रणबीर को काफी बड़ा झटका लगेगा एंड काफी बुरी तरह से रणबीर का दिल टूट जाएगा। और लेकिन प्राची रणबीर के अलग होने के पीछे किसकी गलती है, खुद प्राची की या रणबीर की, और प्राची को रणबीर को सिर्फ एक मौका देना चाहिए क्या नहीं, और रणबीर प्राची को आप पहले की तरह एक देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।